हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट जॉन्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत समास के बारे में ही पढ़ेंगे। हमने लास्ट टू वीडियो में समास के बारे में पढ़ा। पहला, समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि समास का पहला भेद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास के अन्य भेद। तो समास के सेकंड भेद है, दूसरा भेद है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अव्ययी क्या होते हैं। अव्ययी शब्द या अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, कारक, काल, वचन आदि का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में अगर हम देखें तो हम बोलेंगे रात में मैं धीरे धीरे चलता हूं, वह सुबह धीरे धीरे चल रहा था, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, लड़की धीरे धीरे चलती है, खरगोश धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे शब्द जो है ये अविकारी शब्द हैं, अतः ये परिवर्तित नहीं होंगे किसी भी लिंग, वचन या काल के कारण। अब हम ये देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद जो होता है पहला पद वो प्रधान हो तथा अव्यय हो, यानी के अविकारी हो, यानी के वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो सकता, तथा दोनों शब्द मिलाकर क्रिया विशेषण अव्यय का काम करें, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में अव्यय के रूप में मुख्य रूप से प्रति, अ, यथा, उप, बे आदि आते हैं। जिन समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो, यानी कि अविकारी या उपसर्ग हो, तथा कोई दूसरा पद संज्ञा पद हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि एक ही शब्द को बार बार लिखा जाता है या बोला जाता है, पुनरावृत्ति होती है जहां पर, वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होता है। यदि प्रथम पद में यथा, अन, नी, प्र, बे, हर, प्रति, आनी आदि हो तो वहां पर ये शब्द सब अव्यय हैं। जब ये अव्यय दूसरे शब्दों के साथ लगते हैं तो ये समस्त पद को भी अव्यय बना देते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे यथा क्रम। अब ये यथा जो है ये अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है। प्रतिपल, यहाँ प्रति जो है वो अव्यय शब्द है। अजीवन में अ, और ये उपसर्ग भी है, अ। प्रति, निडर, नी, प्रति, ये सब उपसर्ग हैं और ये परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे ही जहां पर पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, जैसे देखिए रातों रात, यहाँ एक ही शब्द को दो बार लिखा बोला गया है, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, अतः यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास ही होता है। नंबर थ्री है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा देखिए, वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। या तो वहां पर पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, अथवा
पहला पद यानी कि पू पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इस कर्मधारय समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है। अतः विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में या तो आएगा के समान या है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। अभी उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। कमल नयन में नयनों के समान कमल के समान होने की बात कही जा रही है, अतः इन शब्दों में उपमान और उपमेय होने का संबंध है। अब है नव युवक, नव है जो युवक, नील कमल, नीला है जो कमल, तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। देखिए उदाहरण के द्वारा, चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, अधपका, आधा है जो पका, महाराज, महान है जो राजा। यानी कि यहाँ पर इसकी पहचान है कि समास विग्रह के समय यहाँ पर के समान, के समान या है जो, ये दोनों शब्द आएंगे। नेक्स्ट है नंबर 4, द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक यानी कि काउंटिंग संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा समस्त पद यदि समूह या समाहार का बोध कराता है तो वहां द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दोपहर, दो पहरों का समूह, शताब्दी, 100 सालों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, ये सब काउंटिंग है। 200, 5, 7, 3, त्रिकोण, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो यहाँ पर एक तो पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, तो और वहां पर समूह या समाहार का बोध कराया जाएगा, वहां पर द्विगु समास होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर इनमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद किसी न किसी समूह अथवा समाहार का बोध कराता है। जैसे दोपहर में पहला पद है दो, जो कि एक संख्यावाचक विशेषण है, और एवं समस्त पद दोपहर, दो पहरों का समाहार का बोध करा रहा है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह यानी के समूह का बोध करा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वंद समास। द्वंद समास की परिभाषा है जिस समास में समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, यानी के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, दोनों समान हो, यानी कि दोनों ही पद महत्वपूर्ण हैं, एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए, लोजक चिन्ह, तो वहां द्वंद समास होता है। जैसे अनजल, ये योजक चिन्ह जो है ये इनमें आता है, अन और जल, राजा और रंग, यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, तो अन और जल, इस समस्त पद का समास विग्रह होगा अन और जल, तो समास होने पर दोनों में योजक चिन्ह जो है वो लुप्त हो रहा है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, अतः यहाँ पर द्वंद समास होता है। जैसे आटा, दाल, पाप, पुण्य, रुपया, पैसा, दूध और दही, सुख और दुख, तो यहाँ पर द्वंद समास होता है। नंबर 5, बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास की परिभाषा है इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता,
यहाँ पर एक जो तीसरा पद बनता है या अन्य पद जो होता है वो प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया पद जो बनता है, नया शब्द जो आता है वह ही प्रधान होता है। पहला पद विशेषण नहीं होता, विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द विग्रह करने पर नया शब्द बनता है और नया नाम सामने आता है। जैसे चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाला तो वो है श्री कृष्ण। दशानन, 10 सर हैं जिसके, तो जहां पर हम बोलेंगे दशानन हमें सीधे ध्यान आएगा रावण का। लंबोदर, लंबा है पेट जिसका, श्री गणेश। मुरलीधर, मुरली बजाने वाला श्री कृष्ण। गिरिधर, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला श्री कृष्ण। गजानन, तो इससे हमें श्री गणेश का ध्यान आता है। तो ये जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर जो नया पद बन रहा है वो एक किसी विशेष चीज को संबोधित कर रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। थैंक यू।